हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सीजेरियन डिलीवरी के बारे में कि सीजेरियन डिलीवरी आखिर क्यों की जाती है और सीजेरियन डिलीवरी में क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माँ बनना हर एक माँ के लिए बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है, बहुत खूबसूरत पल होता है, जिसमें सारी जनरली माँ यही चाहती हैं कि उनकी जो डिलीवरी हो वो नेचुरल तरीके से यानी नॉर्मल डिलीवरी हो। डिलीवरी दो तरीके से होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है और सीजेरियन डिलीवरी होती है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हमारी बॉडी में हो जाती है या बच्चे के साथ हो जाती है जिसमें डॉक्टर आपको सीजेरियन के लिए ही बोलते हैं कि आपको सीजेरियन कराना पड़ेगा। तो उस समय आप कभी भी ये ज़बरदस्ती मत कीजिए या ये जिद मत कीजिए कि आपके डॉक्टर जानबूझ के पैसे के चलते सीजेरियन बता रहा है और आप नॉर्मल के लिए कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ और बच्चे की लाइफ से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है उस टाइम पे। सिचुएशन कब पलट जाती है कोई नहीं जानता है। तो चलिए आज हम लोग यही बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन आपकी बॉडी में होती है या आपके बच्चे के साथ हो सकती है जिसकी वजह से आपके डॉक्टर आपको सीजेरियन डिलीवरी के लिए ही कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं माँ के बारे में कि माँ की बॉडी में क्या कंडीशन ऐसी होती है जिसकी वजह से डॉक्टर आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप सीजेरियन के लिए जाइए। तो पहला आ गया PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर सीजर के लिए बोलेंगे। दूसरा होता है आपका अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया है उसमें। तीसरा होता है अगर आपको पॉलीहाइड्रोमनियोज है या ओलिगोहाइड्रोमनियोज है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूड अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो भी, या एमनियोटिक फ्लूड बहुत कम है आपके बॉडी में तो तीसरी कंडीशन है। चौथे होता है आपको लेबर, आप प्रोलॉन्ग लेबर में हैं बट आपका सर्विक्स ओपन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में लास्ट में यही होता है कि बच्चा किसी तरह सही चाहिए आपको, तो उस समय भी आपको डॉक्टर आपको सीजर के लिए ही बोलेंगे। पचवा, अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको सीजर के लिए ही बोलेंगे। फिर छठा आता है आपका अगर आप प्रोलॉन्ग लेबर में रही हैं और आपका जो वाटर ब्रेक हो चुका है, आप अगर हॉस्पिटल तक पहुँची हैं और आपके वाटर नहीं बचा है, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर सीजर के लिए ही बोलेंगे। सातवां, इस समय बहुत कॉमन हो गया है कि आजकल जो फाइब्रॉइड होने लगे हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड कंडीशन है, यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में भी आपको डॉक्टर सीजर के लिए ही बोलती हैं। तो ये सारी होगी मदर की बात। अब हम बात करते हैं बेबी की। तो बेबी का पहला कंडीशन होता है इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको सीजर के लिए बोलेंगे, क्योंकि बच्चा वीक है तो बच्चा अपनी तरफ से मेहनत नहीं कर पाएगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो इसलिए आपको कहेंगे सीजर के लिए। दूसरा होता है हाइड्रोसिफलिस, अगर बच्चे का हेड बड़ा हो गया है तो भी डॉक्टर आपको सीजर के लिए बोलेंगे। तीसरा होता है बच्चा ओवरवेट हो गया है तो उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम होगी उसको निकलने में तो भी, और अगर डिस्ट्रेस हो रहा है, बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन बच्चा फंस गया है तो नहीं निकल पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको सीजर के लिए ही बोलेंगे कि बच्चे की जान बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो सीजर करा लीजिए। तो ये सारी कंडीशन होती हैं जिसमें आपका सीजर होता है। कई बार ऐसी प्रेगनेंसी भी देखी गई है जो बहुत ही स्मूथली जाती हैं, शुरू से लेके फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर बहुत स्मूथली गया है, बहुत ज़्यादा मदर ने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया है, सारा काम किया है, कहते हैं कि एक्सरसाइज करना चाहिए, सिटअप करना चाहिए, तो वो सब कुछ किया है लेकिन लास्ट में सीजर हो गया। कहते हैं लोग कहते कि अरे इतना मेहनत किया फिर भी सीजर हो गया, तो वो आपके ऊपर, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो टोटली ऊपर वाले के हाथ में है। जो उस समय कंडीशन होगी, जैसे आपकी बॉडी में कंडीशन होगी, जैसे आपके बच्चे के साथ होगा, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है कि आपका सीजर होगा कि नॉर्मल डिलीवरी। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बताना चाहूँगी कि अगर जैसे आपके डॉक्टर ने बोला कि सीजर करना ज़रूरी है, तो उस समय आप कभी भी ये फोर्स मत कीजिए कि नहीं मुझे नॉर्मल कराना है, मैं तो इन सब चीज़ों में फोर्सफुली नहीं करना चाहिए डॉक्टर के साथ, क्योंकि सीजर डिलीवरी जो होती है वो टोटली डॉक्टर के हाथ में होती है। डॉक्टर आपको भी बचा सकता है, आपके बच्चे को भी बचा सकता है। नॉर्मल डिलीवरी में अगर बच्चा फंस गया तो भी प्रॉब्लम है, मदर की भी जान को खतरा है और बच्चे की भी जान को खतरा है, तो हमेशा डॉक्टर की सुनिए। अगर डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं आपको कॉम्प्लिकेशन है, आपको सीजर में जाना चाहिए, आपको सीजर कराना चाहिए, तो आप उस समय सीजर को ही चूज़ कीजिए, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट यही होता है कि जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हों। और तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय बाय।